हेलो जी, राम राम सारे ने, जय श्री श्याम। और किसे हो सारे? उम्मीद करूँ सारे बढ़िया होगे, राजी खुशी होगे और ठीक ठाक होगे। तो देख कर समझ गए होगे काम की तो जा रहे हैं, तो कि जा रहे हैं ये वीडियो मांगे तुमने देखना मैं जगह पता चल जाएगा। तो फिलहाल बैठ लिए हम बस में और बस ही पर लग गए हैं। तो देखो साइड में भी ये और बस लाग रही हैं और घनी बार हो गई हमने। तो यारा बाट दिखाते बस की जो सीधे रूट के ना वो वाली ना आई थी और बस लाग रही थी। तो फिर मैंने वो मैं चलो थोड़ी ही क्लिप बना ली हूँ। तो भाई चैनल पर जो नए हों चैनल में सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो में देखते देखते लाइक कर दिया करो और अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो। तो आज हम दोनों जने पहली बार जा रहे हैं कित घूमन अकेले, बच्चे साथ में है नहीं, मैं हूँ और यो है और मिडिल क्लास फैमिली तो बिलोंग करा हाँ। तो अपना घूमना भी बस का ही है, कोई गाड़ी नहीं है हमारे पास। तो इब फिलहाल चल ली हैं, ये कंडक्टर भी आ गया है और बस गाड़ी चलने वाली है। और मौसम मतलब धूप भी आ जा के बूंद आ जाए, तो इसकी वजह करके मैं बस खड़ी है ना, तो खड़ी बस मैं और घनी गर्मी लगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। देखो बाहर भी कब बूंद आ जाए, मैं तो बूंद आ जाए तो थोड़ी आवाज़ आ ना, तो उमस बन रही है इतनी बूंदी। और हम बैठ लिए थे इसमें, तो आगे वाली जो सीट है उड़े बैठ गए थे, पाछे ने न्यू जाना जो उसमें भी खड़े रहे मैं, तो उड़े धक्का मुक्की रो रहा है। तो लंबा सफ़र है इस मारे, फिर मगर चलो आगे वाली सीट है ना, यहाँ कोई खड़ा ना हो भी कुना, तो आड़े बढ़िया है इस मारे ना माड़े बैठ लिए थे। और पाछे नहीं एक लेडीज़ बैठी है या कई बार की दिख है, अगर मैं के करूँ वीडियो बनाऊँ मैं तो वो जाएगा भाई कई आकर मतलब वो जागरा हम भी नहीं देख ला कि करने लग रहे हैं। तो यहाँ देख के थी बेचारी सीट पर कस बस के, और एक बस चल पड़ी देखो हल्के हल्के, ये बस स्टैंड में तो लग रही है। और मैं अपना यो गर्मी वाला सूट जो वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है वो वाला पैर ली है, सिंपल सा सूट है अपना, जो प्रिंट है थोड़ा सा गले पर के इसके थ्रेड वर्क कर रखा है, तो यो ही पैर लिया हमने फिलहाल। और ये बस निकल ली है, देखो कंडक्टर भी टिकट काटने लग गया है और बस हो गई है फुल। तो ये लकड़ ली है बस बस स्टैंड तक, और ये थोड़ा सा इसने रूट पकड़ लिया है, स्पीड पकड़ ली है। तो ये लागन लग गई ठंडी ठंडी हवा, ये थोड़ा सा लग गया हम मज़ा। और सफ़र में सफ़र बहुत लंबा है, तो लंबे सफ़र का एक अलग वो हो जाकर है कि वह बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाकर के वह थोड़ा सा मतलब वो ये लगा लो बैठे बैठे थोड़ा हो जाओ, लेकिन यार बोर होने का कोई काम नहीं है। तो सफ़र बहुत बढ़िया लगने वाला है, और दोनों जने मतलब शादी के बाद ये लगा लो हम पहली बार कितने गए हाँ अकेले, ना तो बच्चे हो अगर साथ में या फिर जिस तरह बड़ा मैं तो कोई हो अगर, तो पहली बार जा रहे हैं हम दोनों एक साथ। और कि जावांगे ये वीडियो में बने रहे हो, आगे तुमने देखने मिल जाएगा और जगह ना देख के एक बार ज़रूर बताइए कमेंट करके, मतलब बाद में तो पता चलेगा, स्टार्टिंग में थोड़ी देख कर और एक बार वीडियो ने रोक के कमेंट जरूर करियो कि हम पहला ही समझ गए थे कि उड़े जा रहे हो। तो ईब एक दो छोटी मोटी वो बना लूँ मैं बैठ कर रील, एक बाहर का नज़ारा देख लो एक बार बाहर के, ये देखो पहाड़ पूड़ आ गए हैं ईब, और ये अड़े गए इनके पहाड़ में पहाड़ी इलाके में जो पेड़ और वह भी थोड़े अपने साइड वालों से थोड़े अलग हुए हैं। तो ये देखने में ना बहुत अच्छे लग रहे हैं दूर, तो मतलब हरे भरे देखो पूरे इलाके में ना पहाड़ है पहाड़ दिख रहे हैं। और ये बस के फ्रंट में आता उससे पहले ये नज़ारा मैंने खिड़की तक कैद कर लिया है, देखो छोटे छोटे पेड़ हैं मतलब अपने उड़ता अलग हैं, बहुत अच्छे लग बहुत ज़्यादा अच्छे लग हैं। और ये भी अड़े उतर लिए हैं बस में, तो ई रिक्शा ले ली हमने, घनी दूर तो ना था पर ना धूप घनी तेज है, इतनी तेज धूप हो रही है और एक साइड तक ना बादल उठ रहे हैं, तो ऐसा लग गया है बारिश है ना कभी भी आस गए, बहुत ज़्यादा गर्मी और उमस हो रही है ना, तो ज़्यादा दूर तो ना था, पैदल भी चले जाते पर है ना फिर मखा परेशान हो जाएंगे, बहुत गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी कांटे से चुभ गया वाली गर्मी है। तो देखो ये साइड का तुमने कुछ नज़ारा मतलब खास तो दिखता ना होगा, Thank you.
पहुंच गए हम अपनी मंजिल पर। और ये उठा लिया है मैंने निशान, देखो येलो कलर का। और ये पैदल सफ़र चालू हो गया है, देखो साइड में तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे रिक्शा गाड़ी और पैदल जाने भी परली साइड पे चल रहे दूसरे उस पर का। तो ये सारा सफ़र पैदल का आ गया, ये गाड़ी जो है ये साइड में चली जाऊँगी आगे जा कर। और आड़ है हमें ये है ना अपने पैर का ये पट्टी बनने लग गया, ये चलते चलते ना खुल गई थी थोड़ी लू जो तड़के मैंने इसकी बोल दिया था, इसके पैर पे थोड़ी चोट लग रही है। तो मखाना कंकड़ पत्थर रास्ते में आते रहेंगे तो चुपेंगे ना, तो और ज़्यादा गाँव उस वह इसलिए ना पट्टी बांध ले। तो पट्टी थोड़ी सी लूज हो गई थी चलते टाइम, तो याड है उसने बांधने लग रहा था, मगर इसने ना थोड़ी टाइट कर ले तो यो बैठ कर इसने आडे बांधने लग रहा था। और बहुत सारे देखो पैदल यात्री तो मैं दिख रहे होंगे वह साइड तक गुजर रहे हैं। और ये टाइम हो गया है 7:30 या 7:45 के करीब इतना हो रहा टाइम फिक्स मंदे कहना। और पीछे देखो पुलिस चौकी दिख रही है ये, और साइड में जो बाज़ार है वो भी लग रहा है पूरे दोनों साइड का, मतलब बाज़ार बाज़ार है इतना बढ़िया लग है दिन में या रात में। देखो ये पहुँच गए हम जो बाबा का जो द्वार है वहाँ पर, और लाइन में लग रहे हैं। ये देखो हम जो तीसरे नंबर वाली जो लाइन है ना उसमें लग गए थे, क्योंकि जो दो परली वाली थी उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो आगे ने नहाने दे में थे इस मारे ना हम इसमें लग गए थे लाइन में। और पीछे देखो तुमने दिख रहे होंगे आज बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि आज एकादशी ना है ना इस मारे भगत आते रहे हैं जाते रहे हैं, एकादशी ने तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा है। लेकिन उस दिन जो माहौल हुआ ना इतना ज़्यादा अच्छा हुआ है कि मन संग्रह कर देखो वहाँ के खत्म ऐसा नज़ारा बाबा के दाम का दिखा दो, इतना सुंदर ये सब दिन चल रहे बाबा की जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, जो मंदिर में बाबा का श्रृंगार हो रहा है आरती हो रही है उनका। और यह थोड़ी मेरी लाइन है जो थोड़ी एक साइड में है तो इस मारे ना क्लियर दिखाई ना दे रही, पहुँच गई हाँ बाबा के द्वार के करिए कोई अंदर का नज़ारा। तो मोबाइल फ़ोन दरवा दिए गए थे और आगे का नज़ारा मैं नहीं देखा पाई। फिर हम भी बाबा के दर्शन करने लग गए और यही दर्शन करके और आगे निकला है। पाछे देखो भीड़ जमा हो रही थोड़ी दिख रही होगी, वो प्रसाद वगैरह चढ़ाए हम चढ़ा कर आ गए थे। और ये आगे हम आड़े आ रहे थक गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था, प्यास लगी थी बहुत जोर की। तो ये एक गेस्ट हाउस है वहाँ आके रुक रहे हैं हम आड़े, तो ये थोड़ी चाय पानी पीवाँगे कुछ चाय लस्सी पीवाँगे, पहले बहुत प्यास लग रही है। देखो गर्मी थी हेड कूलर लग रहा है हड़ बैठे हाँ, तो गर्मी बहुत थी और कुछ पैदल आछे ज़्यादा दूर चलना पड़े ना, तो इस मारे ना बहुत जोर की प्यास लग गई थी। ये भी आड़े चाय कॉफ़ी और लस्सी वगैरह मिल रहा है ना, तो कूलर वाली चाय यही है। तो कहगा था दो चाय बनवा ले, मगर मैं चाय ना पीऊँ, मैं तो बस दो ही पिया करूँ और मन भी ना था, तो मगर ना थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा मेरी, तो लस्सी बोल दे तो अपना चाय ले ले लेना हो तो। और ये देखो ये भैया आ गए हैं, ये देख गए हैं अपना मेनू कार्ड कि देख लो भाई खाना खा लो, और ये चाय दे गए हैं कूलड़ में देखो। और ये फिलहाल आ गई मेरी लस्सी, तो वो भी कूलड़ में आओगी क्योंकि अड़े जो भी मिल रहा है मिट्टी के बर्तन मिल रहा है। अपनी साइड थोड़ा मतलब स्टैंडर्ड दिखाने के चक्कर में रहे आकर ना, पर आड़े जो भी हुआ है ना मतलब बर्तन या खाना वाना जो भी मोस्टली ना जो मिट्टी के बर्तन आ गए ना उनमें मिल रहा है, तो अच्छा भी लगा है कोई ऐसी बात ना, क्योंकि इसमें केमिकल वगैरह कुछ नहीं होता। तो ये आ गई है ठंडी ठंडी मेरी लस्सी देखो, और ईब मैं लस्सी पीऊँगी तो आ जाओ तुम भी ठंडी ठंडी लस्सी का मज़ा लेना हो तो आ जाओ। और ईब थोड़ी देर बैठ कर बच्चा तक बात ना हुई है, तो जब लाइन में लाग रही थी ना जब मैंने वीडियो कॉल करी थी आधी तो ना जब उसने ठाई को ना बाड़ा करके खेलन जा रहा होगा, तो ईब बैठ कर थोड़ी देर आड़ा हवा लगने लग रही है, गर्मी तो है परेशान हो रही थी गर्मी तक, तो मैं थोड़ी देर बैठ कर बड़का तक बात कर लिया भाई बच्चे भी देखे बाट कई बार फोन कर दिया उनने मम्मी कहाँ पहुँच गए ईब के करो हो ईब दर्शन कर लिया नहीं, तो बालक है भाई उनने उम्मीद रहा है कि बच्चा का थोड़ा मम्मी पापा कहीं चले जावें। और मैं पहली बार आई हूँ बच्चा ने इस तरह अकेले छोड़ कर,
तो बच्चा तो बात करांगे उसके बाद, उसके बाद मेला घूमांगे और बच्चा खातर जो भी लेना होगा और जो भी अपना घर का प्रसाद वगैरह जो भी लेना है वो लेकर, और मेला बहुत ज़्यादा लंबा है, घूमते घूमते चले जाएंगे। तो ये देखो एक बार मैं फिर दिखा दूँ, ये लस्सी का छोटा सा गिलास, कप टाइप का यह है इसका चाय का, और मेरी भी लस्सी आ गई है, मैंने पीना था तो बात करते करते मेरी रखी है और रखे रखे गर्म ना हो जाए तो मैं इसने पी लूँ। फिलहाल मैंने बहुत जोर की प्यास लग रही है तो जो बोतल में पानी था ना वो भी गर्म हो गया था, ये बार ठंडी ठंडी लस्सी पी लूँ, थोड़ा मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और ठंडक सी हो जाएगी। फिर उसके बाद जावांगे रूम पर, थोड़ी देर आराम करांगे। उड़े थे चाय लस्सी पीने के बाद आगे थे रूम पर और 1-1.5 घंटा ही आराम कराया है और आराम करने के बाद ही हम खाना खाना आ गए हाँ याड है। तो ये देखो इसने लग रही बहुत जोर की भूख, तो इसने खाना शुरू कर दिया था। मैं तीन कहा था कि वह है ना खाना खा ले, रोटी ठंडी हो जाए, मैं रुक जा मैं 2 मिनट के लिए बना लूँ फिर खाऊंगी, चल तू इतने शुरू कर। तो ही वो खाने लग रहा था क्योंकि लेट हो रहा है, टाइम हो रहा है 9:45 का, तो भूख तो लगनी थी। सुबह कुछ खा कर चले थे घर तक, सुबह सुबह निकल लिए थे हम ये लगा लो 8:15-8:30 के करीब। ये बोगी है सुबह, तो सारे ने जय श्री श्याम, और सुबह एक घर के लिए निकल लिए हम, सुबह के बज रहे हैं 4, जल्दी उठ लिए थे नहा धो के रूम पर तल निकल लिए हाँ, क्योंकि सुबह जल्दी बस पकड़नी है, चाय वाय जाकर उड़ा ही पीवाँगे, 4:30 बजे की बस है उसी दी झज्जर जाओगी। तो चलते चलते एक बार तोरण द्वार के दर्शन मतलब मैं फिर तक करवा दूँ बाबा के, और बाबा के भक्तों की भीड़ इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अच्छा